For the Holy Spirit to work in our hearts, the Holy Spirit के हमारे दिल में काम के जब करने के मौका देंगे, हम उनके उसके लिए जगह बनाए पड़ी. For Him to work, we have to make room for the Holy Spirit to minister to us, work in us. So हमारा जो टेक्स्ट है, मार्क चैप्टर 7 talks about the heart. हमके दिल डिफाइलमेंट जो उत्सुकता के टॉपिक और हेडिंग है, डिफाइलमेंट कम्स फ्रॉम विद इन. हमके हार्ट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट बेसिकली. मार्क चैप्टर 7 I'll just read few verses from this chapter. Verse 1, then the Pharisees and some of the scribes came together to him, which is Jesus. They came to Jesus having come from Jerusalem. Now when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is with unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. तो इसमें क्या है कि जो फरीसी लोग, जो अगुआ, जो धार्मिक अगुआ थे उस समय जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, तो वे आए जेरूशलम और देखे कि यीशु मसीह और उसके चेले भोजन करते बिना हाथ धोए हुए आए के, हम आए के सीधा महिला हाथ रहा धोई सुसने सीधा खाना खाए लगा. तो हम भी इसे कर देता ना, कुछ रे भूख लगे कुछ रे उठा लेता हाथ, उसके नहीं वरी करता. वी डोंट वरी अबाउट आवर हैंड्स, नॉट डर्टी हैंड्स, हम खा लेता. लेकिन द फरीसीज एंड द स्क्राइब्स व्हेन दे सॉ दिस, दे बाइबल सेज दैट दे फाउंड फॉल्ट, है ना, दोष लगाने लगा यीशु मसीह उसके चेले के ऊपर. They found fault just because Jesus and his disciples were eating with dirty hands. But the Pharisees, Pharisee लोग थे और जो अगुआ थे उस समय, उनके लिए बहुत खास चीज ना कि अपन आप के साफ करो भोजन करने के लिए. कुछ भी करेगा, अगर आप पूरा चपटा पड़ेगा आप समझेगा कि उनके लिए जो रीति रिवाज रहा, जो रिचुअल्स रहा, बहुत इम्पोर्टेंट रहा उनके खातिर. और जिसे हम जानते कि जो हिंदुइज्म में, इस्लाम में भी सर्टेन रिचुअल्स है, अपन आपके साफ करो, कुछ ना कुछ करे करे, या रिचुअल्स रहे. हम हमारे लिए रिचुअल तो नहीं है, लेकिन जैसे जो जब हम हरदम करता है, जो होली कम्युनियन में भाग लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ हम करते हैं जो सब टाइम करता है वही रकम. तो इस भाग में द फेरिसीज, उनको वो लगा, गुस्सा लगा, देखे कि जीसस ने वैसे खाना खाया, उनके लिए भारी बात है ये. अगर आप आगे पढ़ेगा वर्स 5 में, तब जो फेरिसीज से स्क्राइब्स जो अगुए थे, वो यीशु मसीह को पूछने लगा कि तुम्हारे डिसाइपल्स लोग बोले जो ट्रेडिशन है, जो लॉज है, वो फॉलो नहीं करे, बोले जो चीज मांगे करे वही चीज़ करें, जीसस के ट्रैक रे कुछ फॉल्ट फाइंड करे के. तब यीशु मसीह ने पहला चीज़ वो कड़ा भात बात बोला ना, हिपोक्रिट बोला ना कि. और उसने कहा कि ये जो लोग हैं, मेरे ख्याल से शायद अपने चेलों की वो बोलता होगा कि दिस पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स, अपने ओठ से हमें आदर करते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत दूर है, देयर हार्ट इज फार अवे फ्रॉम मी. यीशु मसीह बताया डिसाइपल्स लोग से, करीबन मुँह से और एक्शन से हमें ओना करे दिखाए मारे, लेकिन उनके दिल दूर है. इसमें ये बात यीशु मसीह कहता है. फिर वर्स 7 में, मार्क चैप्टर 7 वर्स 7 में कहता है कि एन इन वेन दे वर्शिप मी, फोकटिया में मैं वर्शिप कर, जैसे वर्शिप करे कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं, वेन में कुछ
हासिल नहीं करे जब वर्शिप करते हैं, तो एक कड़ा बात है ना, वो इट्स टफ वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स कमिंग फ्रॉम जीसस. फर्स्ट ही कॉल्स एन हिपोक्रिट एंड दे ऑनर मी विद देयर लिप्स, है ना. फिर बोले कि उन लोगों की वर्शिप इट गोज नोवेयर, ना कहीं नहीं जाए उनकी वर्शिप. हम ये हम हमारे जीवन में अभी इस समय अगर अप्लाई करेगा तो कभी कभी हम क्रिश्चियंस लोग काफ़ी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं जो रिचुअल्स जो रोज रोज हम करते हैं. जैसे ख्याल करना है जो फेरिसीज स्क्राइब्स, दिस पीपल फेरिसीज एंड स्क्राइब दे नो द बाइबल राइट, ओल्ड टेस्टमेंट द लॉज इन एंड आउट वे जानते थे, पढ़ा लिखा थे. दे न्यू द वर्ड ऑफ गॉड, दे न्यू अबाउट गॉड एंड स्टिल जीसस इज सेइंग देयर हार्ट इज फार अवे, ना उनके दिल बहुत दूर है हमसे. तो हमारे जीवन में अभी समय हम शायद रोज बाइबल पढ़ता होगा, रोज प्रेयर करता होगा, अपन डिवोशन करता होगा, शायद संडेज के आता है, चर्च प्रेयर मीटिंग्स में आता है. कभी कभी शायद इट्स ऐसे एक चीज़ होगी कि हम रोज करता है, मे बी हम शायद रियलाइज नहीं करता है कि हम अपने दिल से करते हैं कि जिस फॉर द सेक करता है, जिस हम करते आए इतने दिन से. हम सकते हैं कि जिसे वैसे में बताए दे वर्शिप, दैट मीन्स उन्होंने वर्शिप करे राइट, हम भी वर्शिप करते हैं, वी स्टिल वी वर्शिप टू, बट इट्स वेस्ट, इट्स अ वेस्ट. जीसस बताए इट्स इन वेन, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देयर हार्ट इज फार, हम उनके शायद दिल परमेश्वर से दूर दूर है. बिकॉज हम जो हम वो छोटा छोटा चीज में ऑक्यूपाइड हो गया है, जो जो चीज रियली में हमारा और यीशु मसीह का जो रिश्ता से कुछ लेना देना नहीं है. चर्च में हम कहाँ बैठा है, बेंच में कैसे कपड़ा पहन के आ गया, यू नो जो जो चीज़ रियली में हमारे रिलेशनशिप यीशु मसीह से कुछ डिफरेंस नहीं करी. बिकॉज क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह चाहता है कि हम पर्सनली हमारा दिल और परमेश्वर का दिल जुड़ा रहे, एक रिश्ता. इवन शायद जो जो मैरिड है ना घर पर, शायद आदमी औरत एक घर में रहे, शायद यू नो कुछ भे है तो शायद दो तीन रोज एक घर में रहे, औरत खाना बना के दे आदमी लाइक, बट बात नहीं हुए ना, मैरिड है रिश्ता है लेकिन वो संबंध नहीं है जो जो दिल से होता है ना. आप समझता कुछ बोलता है, नहीं समझता है. तो एक ही घर पर है, वी मे बी कमिंग टू चर्च यू नो कितना साल से वी बीन कमिंग टू चर्च, बट इज इट रियली अ रिलेशनशिप. जब हम बाइबल पढ़ते हैं सचमुच में हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारे दिल में कुछ असर पड़ता है, डज इट अफेक्ट आवर हार्ट. जब हम प्रेयर करते हैं डू वी प्रे फ्रॉम आवर हार्ट इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, बिकॉज हम ये बहुत हाल ही से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शैतान हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. फिर तो हमारे जो वर्शिप है, हम शायद बाइबल पढ़ेगा अगर हमारा दिल अच्छा जगह पर नहीं है. शायद 20 साल पहले कोई हमारे आंगना में से अमरुद तोड़ लिस रहा पड़ोसी, ओला झगड़ा हम लेकर भी है और हम रोज मनता बाइबल पढ़े और प्रेयर करें, तो फिर भी हम रोज परपराता है पड़ोसी के कि उस 20 इयर्स अगो हम अमरुद चोरी किस रहा. तो वेस्ट 7 में बताएं आर वर्शिप इज इन वेन. तुम चर्च में आए के हाथ उठाए के करो प्रेयर चिल्ला चिल्ला के, बट वो फोकट में इट्स इन वेन. कोई कोई परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है. वाई? बिकॉज आवर हार्ट इज फार फ्रॉम गॉड. वी नो दैट बाइबल में लिखा ने कि यीशु मसीह ने कहा कि
एक पेड़ में से एक मीठा फल एक एक खट्टा फल कैसे संगे है ना, नीमक पानी और मीठा पानी संगे नहीं सके रे। तो जब तक हम अपने दिल को साफ नहीं करते, जो छोटा मोटा चीज़ लेकर हम चलते, जो परिवार में झगड़ा बोझ लेके और बिटरनेस गुस्सा रखते हैं दिल में, जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं अपने ताकत से नहीं, लेकिन हम जब यीशु मसीह को मौका नहीं देगा हमें हमारा दिल साफ करने के लिए, तो हमारा जो वर्शिप है, जो प्रेयर है, जो परमेश्वर से रिश्ता है, वो कायम नहीं, वो नहीं अच्छा है, कुछ गड़बड़ी है इसमें। और ये यीशु मसीह का वचन है, वो यीशु मसीह में चाहता है कि छुटकारा दे हम, लेकिन हम वो सब पकड़ के रखा है। हमारे घर एक कुत्ता है, आप सब जानते होगा, थोड़ा बुढ़ा है, तो सब टाइम बंधा रहे राइट, मोस्ट ऑफ टाइम वो बंधा रहे टाइड अप, बट जब भी उसके खोल दो एकदम छूटेगा, जाए रास्ता में घूमी, पूरा आंगना में घूमी, सब पकड़ जाए। तो भी कुछ दिन से, बट वन मंथ से कुछ खुला रहा राइट, तो फ्री घूमत रहा। तो जस्ट लास्ट वीक एक ना वीक डेट जाए उसके बांध दिस पीछे चेन में हुक कर दिस। आज हम कन्फर्म करा रहा, बिकॉज व्हाट हैपन, चेन तो लग गया कुत्ता के, और बट वन वीक टू वीक से कुत्ता वही अपन एरिया में है, बट जस्ट टू डेज अगो आई रियलाइज द अदर एंड इट्स नॉट हुक्ड अप, लाइक एकौना एंड जो ने चेन के वो लगा नहीं है वहाँ, वो खुला है। तो बट फिर भी टू वीक्स है वो अपन वही एरिया में है, इट्स स्टिल देयर द डॉग राइट, चेन लगा है बट एकौना एंड इट्स जस्ट लाइंग देयर, इट्स नॉट हुक्ड अप। हमारे जीवन ईसाई जीवन, हम यीशु मसीह चाहता है टू फ्री अस सो वी कैन जिस रन एंड यू नो बी फ्री। हमारा जो पुराना जो बोझा है, जो सब गट्टर बांध के हम रखा है, ऑल दिस बर्डन एंड यू नो बिटरनेस एंगर, इट्स होल्डिंग अस बैक। जब तक हम वी डोंट अलाउ द होली स्पिरिट टू क्लीन अस आउट, हम ये कुत्ता स्टाइल है, चेन लगा है अकाउंट एंड फ्री, बट हम जानते नहीं, हम सकते हैं कि यीशु मसीह के ताकत से हम फ्री हो जाएं, लेकिन हम अपने डिसाइड करता है कि लेक चलो, एंड देन एवरीथिंग वी डू इज इन वेन। मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से साफ नहीं हो जाते, हम ये जो कुत्ता है उसके स्टाइल भजा रहेगा, हम जान नहीं पाएगा कि हम फ्री है और उसके सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम वही भजा रहेगा, हम अपने जो रिचुअल्स है वही सब में कायम रहेगा, नहीं रियलाइज करें कि हम ये सब छोड़ के एक नवा लेवल में परमेश्वर हमको कितना हद तक यूज़ कर सकता है, कितना हद तक छुटकारा दे सकता है, खुशहाली दे सकता है, इट गिव्स अस पीस एंड जॉय। But it's only when we allow the Holy Spirit to clean us, instead of worrying about little things that doesn't really matter. जो पवित्र आत्मा, जो हमारे जो रिश्ता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, ये हफ्ता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम अपने जो कुछ भी हम लेकर चल रहे हैं, वो आज हम छुटकारा पाए, इस वीक, दिस वीक, देन वी कैन रियली एन्जॉय द फुलफिलमेंट ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ, तब हम फ्रीडम एन्जॉय कर पाएगा, नहीं तो हमारे जो वर्शिप रहेगा वो वेन पे रहेगा, हमारे जो प्रार्थना रहेगा, बाइबल रीडिंग जब चेच आता है वो उस तरह का सेटिस्फेक्शन और पीस हमें नहीं देगा, खुशहाली आनंद नहीं मिलेगा हमें। एमेन। तो ये हम आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम इस जो फरीसी जो अगुए थे, फरीसी लोग, फरीसी थे, उनके तरह नहीं रह जाएं,
कि हम छोटा मोटा नुक्स खोजते रहे कि वो इसके देखो अच्छे से बात नहीं कर पाए, यू नो उसके देखो वहाँ का स्टेज पे खड़ा है गाना गा लगा, ये यू नो ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है, यहाँ पार्क कर दिस वहाँ पार्क कर दिस ऐसे वैसे, वो सब छोड़ के वो सब हटा कर परमेश्वर की ओर देखिए, पवित्र आत्मा से बातचीत करें और कहे कि परमेश्वर हमें माफ़ कर, हमें साफ कर और पवित्र आत्मा से भर दे। तो ये मैं सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक होगा कि हम शुरू करें इस हफ्ता अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, ऐसे परमेश्वर ये जो गट्टर में बांध कर घूमता हुआ आप अपने दिल को आप अच्छे से जानते होगे, मैं आपको नहीं कुछ बता सकूँ लेकिन मेरे दिल में ये आया और आज पवित्र आत्मा तैयार है आपसे बातचीत करने के लिए और छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद।